ये तीसरा स्कंद, सॉरी पहला स्कंद का तीसरा अध्याय है, समस्त अवतारों के स्तोत्र भगवान श्री कृष्ण। ये जो अध्याय है, जैसे जैसे क्रमशः आगे बढ़ेगा, एक एक अवतार भगवान ने जो लिए हैं उसका खुलासा होगा। यहाँ पे भगवान ने एक अवतार लिया है, भृगुपति। कौन सा अवतार है? परशुराम जी का अवतार। टोटल कितने अवतार हैं भगवान के? 24 है, 22 है, 21 है, 24 अवतार है। 24 अवतार में ये 16वें अवतार है भगवान के, भृगुपति। परशुराम भी कहते हैं। तो परशुराम जो है, राम, तीन राम के बारे में ये अध्याय में बताए गए हैं। सबसे पहला कौन सा है? परशुराम। परशु मतलब एक्स, एक्स बोले तो कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी किस, क्या करते हैं कुल्हाड़ी से? मारते हैं, या तो फिर झाड़ को काटते हैं। भगवान यहाँ पे झाड़ को काटने के लिए अवतार नहीं ले रहे हैं, बाकी बल्कि क्षत्रियों का संहार करने के लिए अवतार ले रहे हैं। और दूसरे कौन से राम है? कोदंड राम। कोदंड राम यानी भगवान श्री राम, जिनके हाथ में कौन क्या है? धनुष है, इसलिए उनको बोलते हैं कोदंड राम। तो हम जाते हैं अलग अलग जब यात्राओं में, तो अलग अलग जगह टेम्पल्स हैं राम जी के, जहाँ पे कोदंड राम स्वामी राम जी का नाम है। जैसे रामेश्वरम आप जाएंगे तो रामेश्वरम में जो राम जी का मंदिर है वो धनुषकोटि के पास में, वहाँ पे है कोदंड राम स्वामी का टेम्पल। वो भी एक राम जी का टेम्पल है। और तीसरे राम कौन से हैं? हल दल राम, यानी जो हल जिनके हाथ में है, और उनको और भी कहते हैं बलराम। ये तीन राम के विषय में भागवतम का ये जो अध्याय है, इसमें डिटेल में डिस्क्रिप्शन है। और अंत में, इस अध्याय के अंत में हमें पता चलेगा, ये समस्त अवतार जो भगवान लिए हैं, 22 अवतार जो भगवान ले रहे हैं, इनके कंक्लूजन में कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। उसके बारे में विस्तार जानकारी जो है हमको इस अध्याय में मिलेंगी। तो परशुराम जी कौन है? परशुराम जी जमदग्नि और माता रेवती के पुत्र हैं, और इतने पावरफुल है परशुराम जी कि वे जिन उन्होंने जो अवतार लिया, तो 21 बार पूरी पृथ्वी पर घूम करके क्या किया उन्होंने? उन्होंने संहार किया। किसका? कुपितो निःशमा, कुपितो, कुपितो मतलब वो क्रुद्ध थे। किससे क्रुद्ध थे? क्षत्रियों से। अभी क्षत्रियों से क्रुद्ध क्यों थे, इसका पूरा एक पास टाइम है, इस भागवतम में ही दिया गया है। तो एक राजा थे, इनका नाम था कृष्णा, सॉरी कार्तवीर्य अर्जुना। ये राजा एक बार जंगल में जाते हैं, और वहाँ पर जमदग्नि की कुटिया होती है, कुटीर होती है, और वहाँ पर जमदग्नि अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में रहा करते थे। तो राजा वहाँ गए, और क्योंकि स्वतः राजा वहाँ पर आए हैं, तो ये जो ब्राह्मण है, जमदग्नि एक ब्राह्मण है, मुनि है, तो उन्होंने पूरे आदर सत्कार के साथ में उनका और उनके जितने भी सोल्जर्स आए थे उन सब का स्वागत किया, उन सबको तृप्त किया, जो कुछ भी रिक्वायरमेंट था उनको सेटिस्फाई किया, खाना दिया, सब कुछ दिया। तो कार्तवीर्य अर्जुन जो है, राजा जो है, वो देख करके अचंभित हो गए कि किस प्रकार इतने सारे मेरे सैनिक मेरे साथ में आए हैं, इन सबको ये जो ऋषि है जो इस कुटिया में रह रहा है, किस प्रकार इन्होंने इन सबको, हम सबको तृप्त किया है। तो उन्होंने अपने एक दूत को भेजा, जाओ तुम जाकर के थोड़ा पता करके आओ कि क्या है इस मुनि के पास में। तो ये मुनि है जो राजा का सैनिक है, वो जाकर के देखता है, तो जमदग्नि के पास में एक गाय थी। क्या नाम था उसका? सुरभि गाय। और सुरभि गाय जो थी वो जो भी रिक्वायरमेंट है वो सप्लाई करती थी। तो राजा ने कहा, सॉरी राजा ने सोचा कि ये जो मुनि है ये तो जंगल में रह रहा है, और इसको जो भी रिक्वायरमेंट है नेचर प्रोवाइड करता है, ये जो प्रकृति है सब कुछ देती है उसको, अग्नि हवन करने के लिए लकड़ी चाहिए वो भी मिल जाती है, और उसके बाद में उसको खाने के लिए फल चाहिए वो भी मिल जाता है, तो सब कुछ तो मिल जाता है, फिर इस गाय की इस ब्राह्मण को क्या आवश्यकता।
इसकी आवश्यकता किसे है? मुझे है। तो अभी क्या आ गया उसके मन में? लोभ आ गया। तो इसने क्या किया? इसने लड़ाई की और फाइनली जमद अग्नि से पहले तो प्रेम पूर्वक मांगा कि आपके पास में ऐसा क्या है, सब कुछ मालूम है फिर भी पूछ रहे हैं, अभी आपके पास में ऐसा क्या है? तो उन्होंने बताया कि मेरे पास ये गाय है और मेरी जो रिक्वायरमेंट है ये गाय पूरी करती है, क्योंकि मुझे हवन करना है और हवन के लिए बहुत सारी सामग्रियाँ मुझे चाहिए होती है जो यहाँ नहीं मिलती है, तो मैं ये गाय से मांगता हूँ और मुझे दे देती है। तो राजा ने कहा कि यदि ये गाय हमारे महल में रहेंगी तो ये पूरे संसार का पालन पोषण कर सकती है। तो ऐसा सोच करके राजा ने प्रपोजल रखा किसके सामने? जमद अग्नि के सामने कि ये गाय आप मुझे दे दीजिए, ये राज दरबार में रहेगी। तो जमद अग्नि ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तो फाइनली ये जो राजा है धीरे 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 क्रोधित हो गए और इन्होंने जमद अग्नि से युद्ध करने का प्रस्ताव रखा कि नहीं आप मुझे ऐसे युद्ध करिए, और फाइनली युद्ध करके जमद अग्नि को मार दिया और मार करके वो गाय को लेकर के चले गए। सो जैसे वो चले गए तो तुरंत उतनी थोड़ी देर में उनके पुत्र, जमद अग्नि के 3-4 पुत्र थे, उनमें से जो सबसे छोटे पुत्र थे उनका नाम क्या है? परशुराम। तो उतने में वहाँ पर परशुराम आ जाते हैं और परशुराम देखते हैं कि कुछ गड़बड़ हुई है, और जैसे उन्हें पता चलता है कि एक राजा आए थे और उन्होंने यहाँ पे आकर के इतना बड़ा तांडव मचाया है, तो तुरंत क्या करते हैं? अपना परशु और धनुष और बाण ले जा करके फिर कार्तिकेय अर्जुना जहाँ रहते थे वहाँ महल में जा करके उनसे लड़ाई करते हैं। सो महाभारत में हम देखते हैं कि कितनी अक्षौणिया सेना थी टोटल? 18 अक्षौणिया सेना थी दोनों पक्षों में, पांडव और कौरव में। लेकिन यहाँ पर कार्तिकेय अर्जुना ने 17 अक्षौणिया सेना खड़े कर दी थी, किससे लड़ने के लिए? परशुराम जी से लड़ने के लिए। लेकिन परशुराम जी के पास में सिर्फ 3 चीज़ें थी, क्या थी? परशु, उनका धनुष और उनके बाण। सो अकेले परशुराम जी ने अकेले पूरी 17 अक्षौणियों सेना को परास्त कर दिया, इतने पावरफुल थे परशुराम जी। और ये जो कार्तिकेय अर्जुना है ये भगवान दत्तात्रेय के भक्त थे, और उनकी भक्ति करने से भगवान दत्तात्रेय ने उनको 1000 हाथ दे दिए थे, प्लीज होकर से उनसे प्रसन्न होकर के उनको 1000 हाथ दिए थे। तो अभी जैसे हमने एक और कहानी सुनी है, स्टोरी सुनी है कृष्ण लीला में, किसको 1000 हाथ थे? कौन से असुर को? बाणासुर या नरकासुर। तो उसी प्रकार से ये कार्तिकेय अर्जुन है, इसके पास में भी कितने हाथ थे? 1000 हाथ थे। तो इन्होंने देखा कि अब मेरी सारी सेना जो है परास्त हो चुकी है, अब समय किसका आया है? मेरा समय आया है। तो फाइनली ये जो कार्तिकेय अर्जुन है इन्होंने क्या किया, अपने 500 हाथों में धनुष लिए और 500 हाथों से उन्होंने प्रचंडता चढ़ाई। सो जैसे ही उन्होंने बाण लिए तुरंत परशुराम जी ने क्या किया, उनके सारे बाणों को काट दिया और फाइनली उनको भी उन्होंने मृत्यु के घाट उतार दिया। और फिर उनके महल में जाकर के उन्होंने देखा कि ये जो गाय है, सुरभि गाय और बछड़े उसके साथ में है, उनको लेकर के वो वापस आ गए। और जैसे वो आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर कार्तिकेय अर्जुन के पुत्र थे, 4-5 पुत्र थे, उन्होंने देखा कि परशुराम जी जो है वो बहुत क्रोधित है, इतने ज़्यादा क्रोधित है कि यदि हम उनके सामने में जाएंगे तो क्या होगा, हमारी भी मृत्यु हो जाएगी। तो वो चुप करके वो लोग भाग गए और फाइनली परशुराम जी ने गाय और बछड़े को लेकर के वापस आ गए, और जो जमद अग्नि है वो भी फिर जीवित हो गए। सो इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान परशुराम जो है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, और ये जो अवतार है वो कोई साधारण अवतार नहीं है। भगवान ने क्यों अवतार लिया है?
भगवान बताते हैं भगवत गीता में, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्था अपनार्थाय। तो ये जो परशुराम जी जब गए थे लड़ाई करने, तो इतने सारे जो राजा हैं और राजा के सैनिक यानी 17 अक्षौणी सेना जिनको उन्होंने मारा, तो इनसे क्या निकला, इनसे लहू निकला है, इनसे खून निकला है। और ये जो खून है ये क्या है, ये द्वीप में कन्वर्ट हो गए हैं। कितने द्वीप, टोटल 9 आइलैंड में ये जो रक्त है ये कन्वर्ट होकर के 9 आइलैंड बन गए। सो देखिए, भगवान कोई भी चीज़ करते हैं वो साधारण नहीं होता है, भगवान कोई भी चीज़ करते हैं वो साधारण नहीं होता है। सो जैसे ही परशुराम जी बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक गाय और बछड़े को लेकर के जमदग्नि के पास में आते हैं और उनको सारा विस्तार बताते हैं कि देखिए मैंने इस तरह से बलपूर्वक पूरे 17 अक्षौणीय सेना को मार दिया है, तो एक बहुत अच्छी चीज़ जमदग्नि बोलते हैं परशुराम जी को, क्या बोलते हैं कि आपने जो किया है वो सही नहीं किया है। क्यों? क्योंकि हम कौन हैं, हम ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण का कार्य क्या है, ब्राह्मण का कार्य है फॉरगिव करना, फॉरगिव मतलब माफ़ करना, या ना कि उसके ऊपर में रिएक्ट करना। तो तुमने क्या किया है, तुमने ब्राह्मण कुल की अवहेलना की है। अगर यदि ब्राह्मण ही माफ़ नहीं करेंगे, ब्राह्मण ही मारने पे उतर जाएंगे, तो हमें कौन पूजेगा। तो ये एक बहुत अच्छा लर्निंग है यहाँ पे जो जमदग्नि मुनि परशुराम जी को देते हैं कि ब्राह्मण का हर एक जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इनका एक 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 कार्य है। ब्राह्मण का कार्य क्या है, एक तो ज्ञान देना और फॉरगिव करना। क्षत्रिय का कार्य क्या है, लड़ाई करना, रण में जाकर के लड़ाई करना, और उनके पास में 2 ही ऑप्शन रहते हैं। क्या ऑप्शन है, एक तो विजय होके आना है, नहीं तो रण में मर के आना है। और तीसरे है वैश्य, जिनका कार्य क्या है, ट्रेडिंग है उनका कार्य। और चौथा है शूद्र, शूद्र का कार्य क्या है, सेवा करना या फिर वर्क करना, लेबरर। सो हमारा जो कार्य है, जमदग्नि मुनि बताते हैं कि हमारा कार्य है, ब्राह्मण का कार्य है फॉरगिवनेस, वी शुड नॉट रिएक्ट। अगर हम रिएक्ट करेंगे तो फिर ये जो हमारे कार्य है, क्षमा दमा तपा तितिक्षवा, ये कौन करेगा। सो इस प्रकार जमदग्नि मुनि परशुराम जी को ज्ञान प्रदान करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा जो अवतार है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसके पश्चात क्या होता है कि परशुराम जी जो है वो डिटरमाइंड हो जाते हैं। किसके लिए डिटरमाइंड हो जाते हैं, कि मैं जो है इस पूरी सृष्टि से ऐसे क्षत्रियों का संहार करूंगा जो इन ब्राह्मण कुल को प्रॉपरली ट्रीट नहीं करते हैं। और इसके चलते परशुराम जी पूरी सृष्टि में जाकर के 21 टाइम्स 21 बार वो पूरे क्षत्रिय कुल का संहार करते हैं। तो भगवान जो है अलग अलग समय पर जो कार्य करना है वो अलग अलग समय पर करते रहते हैं, लेकिन उपदेश कहाँ दिया है, उपदेश दिया है भगवद गीता में। सो इंस्ट्रक्शंस जो थ्योरी है वो दे दी है भगवान ने गीता में, लेकिन उसका जो प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन है वो शुरू से भगवान शुरू से करते आ रहे हैं, अलग 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 समय पर करते आ रहे हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमारी जो भक्ति की विधि है, 2 प्रकार की भक्ति की विधि हम बहुत ही डिटेल में जानते हैं। कौन सी 2 प्रकार की भक्ति की विधि है, एक है भागवत विधि और दूसरी है पांचरात्रिका विधि। तो ये जो 2 विधि है हम सब इसका पालन करते हैं। तो भागवत विधि में क्या क्या आता है, भागवत विधि में आता है श्रवणम कीर्तनम, ये सब आते हैं भागवत विधि में। और पांचरात्रिका विधि में क्या आता है, पांचरात्रिका विधि मतलब डीटी वर्शिप, भगवान के विग्रह की सेवा पूजा करना। तो भगवान ने ये जो पांचरात्रिका विधि और भागवत विधि है ये कब दी थी, एक समय 2 राक्षस जिनका नाम है
मधु और कैटभ, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ब्रह्मा जी के हृदय में जाकर के कुछ चुरा लिया था। क्या चुराया था? सारे वेदों को चुरा लिया था। और वेदों को चुराने के बाद में ब्रह्मा जी वॉज लाइक, अब क्या करना है, ये सृष्टि का आगे क्या करना है? तो उस समय भगवान ने इस भागवत विधि और पांच रात्रिका विधि के विषय में बताया था। तो ये जो पांच रात्रिका विधि है, ये क्या है? भगवान कृष्ण ने पांच पर्सनालिटी को पांच रात्रि में ये डीटी वर्शिप के विषय में बताया था। कौन कौन है पांच पर्सनालिटी? एक है स्वयं नारद मुनि, और दूसरे है दूसरे कौन से मुनि हैं? सो पांच पर्सनालिटी को भगवान ने ये ज्ञान दिया था। इसमें वन ऑफ द पर्सनालिटी इज नारद मुनि। इसलिए हम जो विधि पालन करते हैं वो कौन सी है? नारद पंचरात्र विधि। इसमें क्या आता है? इसमें भगवान को जो षोडश उपचार करते हैं और भगवान को जो पूजा पूजन करते हैं, फिर अलग अलग पेरिफेरनेलिया से भगवान का आरती करते हैं, तो इस प्रकार से ये पूरी विधि है। और दूसरी विधि कौन सी है? भागवत विधि। तो भागवत विधि में जो हम अभी सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवत का, या हम हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं, इसका जो जप है वो सुनते हैं, वो किस में आता है? भागवत विधि में आता है। और पांच रात्र विधि में जो मंदिर में हम पूजा आराधना करते हैं, इवन घर में हम भगवान के निताय गौरंगा की वर्शिप करते हैं, वो भागवत विधि में आता है। सो कई बार भक्तों के मन में आता है कि हम तो सिर्फ और सिर्फ एक ही विधि का पालन कर रहे हैं, सिर्फ भागवत विधि कर रहे हैं, पांच रात्र विधि नहीं कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि ऐसा नहीं है। जो भक्त भगवान के समक्ष भगवान का जब कीर्तन हो रहा है, उस कीर्तन में पार्टिसिपेट करते हैं, उस कीर्तन में नृत्य करते हैं, तो वो विधि भी क्या कहलाती है? वो विधि भी पंचरात्रि का विधि कहलाती है। सो पंचरात्रि का विधि सिर्फ और सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड मंदिर के भक्तों तक ही नहीं है, सिर्फ भगवान की पूजा कर रहे हैं भक्तों तक ही नहीं है, अपितु एक्सपांड होते हुए उन भक्तों तक भी है जो भगवान के समक्ष भगवान का कीर्तन संकीर्तन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो हम सब भगवान के संकीर्तन में पार्टिसिपेट करते हैं, और कई बार ऐसा भी हम सुनते हैं कि हमने तो अभी तक दीक्षा भी नहीं ली है, तो हम भगवान का पूजन आराधन कैसे करें, भगवान के इस पांच रात्रि का विधि में पार्टिसिपेशन कैसे करें? तो प्रभुपाद जी ने उसका क्लैरिफिकेशन दिया है कि यदि कोई सिर्फ भगवान का नाम मात्र जप करता है और डिटरमाइंड है कि मैं भगवान का ये जो नियम दिए गए हैं उनका पालन करूंगा, तो वो भी क्या है? प्रभुपाद जी बोलते हैं वो भी दीक्षित भक्त है। और प्रभुपाद जी बोलते हैं दीक्षा तो एक सिर्फ क्या है? फॉर्मेलिटी है। क्या इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में? हमारे जीवन में इंपॉर्टेंट है डिटर्मिनेशन। हम कितने डिटरमाइंड है प्रभुपाद जी जो चीज बता रहे हैं उनको फॉलो करने के लिए, हम कितने डिटरमाइंड है वो इंपॉर्टेंट है। यदि हमें डिटर्मिनेशन है तो फिर ये दीक्षा तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि कोई भी भक्त है सिर्फ एक बार हरे कृष्ण महामंत्र कर जप करके भगवान के पास जा सकता है। तो हम तो इतने समय से भगवान का नाम जप कर रहे हैं, प्रतिदिन नाम जप करते हैं, प्रतिदिन भागवत श्रवण कर रहे हैं, प्रतिदिन भगवान का घर में पूजन आराधन कर रहे हैं, तो फिर भी ये मन से जो डिस्टर्बेंस है, विकार है, वो क्यों नहीं जा रहे हैं? वो इसलिए नहीं जा रहे हैं कि अभी तक के हम क्या नहीं हुए हैं? डिटरमाइंड नहीं हुए हैं। तो ये डिटर्मिनेशन क्यों लैग कर रहा है हम सब में? क्या रीजन है कि ये डिटर्मिनेशन हम सब में लैग कर रहा है? तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस भौतिक जगत को भोगने की जो इच्छा है वो हम सबसे नहीं जा रही है, और इस क्योंकि वो इच्छा नहीं जा रही है इसलिए हमारा जो डिटर्मिनेशन है वो स्ट्रांग नहीं हो रहा है। हम काफ़ी हद तक के इस भक्ति मार्ग में आगे बढ़ चुके हैं और आगे प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब जब हम भागवत
तम सुनते हैं, भगवद गीता सुनते हैं या पढ़ते हैं या भगवान का नाम जप करते हैं, तब तब हमारे हृदय से ये जो कंटामिनेशन है ये चले जाते हैं, लेकिन फिर से आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो डिटर्मिनेशन है उसको हमें स्ट्रांग बनाना है, और डिटर्मिनेशन स्ट्रांग हो जाएगा तो हम देखेंगे कि मन से जो कंटामिनेशन है वो धीरे 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 चले जा रहे हैं। हम सब भगवान का नाम जप करते हैं, 16 माला या जितनी भी माला हम करते हैं हम सब कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ में एक सब्स्टिट्यूट दिया गया है। सब्स्टिट्यूट क्या है? अगर वो सब्स्टिट्यूट हम फॉलो करेंगे तो ये जो नाम की पोटेंसी है ये और बढ़ जाएगी। और वो क्या चीज़ है, कोई बता सकता है क्या चीज़ है वो? 10 नाम अपराध। ये 10 नाम अपराध चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, प्रभुपाद जी ने कहा है कि यदि हम ये 10 नाम अपराध को अवॉइड करेंगे, ये 10 अपराध नहीं करेंगे, तो हम बहुत ही फास्ट, बहुत रैपिडली इस भक्ति मार्ग में बढ़ सकते हैं। तो ये जो 10 नाम अपराध है हमें बार बार चेक करना है, क्या हम इसका पालन कर रहे हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने कहा एक सभा में, प्रभुपाद जी ने कहा कि यदि आप 100% शुद्ध होंगे तो ही आप भगवान के पास जा सकते हैं। फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि 90%, 80%, 70%। तो ये जो प्रभुपाद जी ने प्रतिशत दे दिया है, परसेंटेज दे दिया है बैक टू गॉडहेड ले जाने का या हमारे कंटामिनेशन नहीं होने का, ठीक है, लेकिन क्या वो 70% भी हम डिटरमाइंड है भगवान के पास जाने के लिए? वो हमारा चेक पॉइंट है। यदि वो परसेंटेज तक हम नहीं पहुंचे तो ये परसेंटेज कोई काम का नहीं। आप 10% भी डिटरमाइंड नहीं है कि हाँ इस जीवन के अंत में भगवान के पास जाना है, अगर हम डिटरमाइंड नहीं हैं तो फिर ये परसेंटेज कुछ भी काम नहीं करेगा। उसी प्रकार से ये जो नाम अपराध है हमें इसको बार बार पालन करना है, इसको बार बार चेक करना है कि क्या हम ये पालन कर रहे हैं, क्या हम ये पालन कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो करना है, ओ हम पालन नहीं कर रहे हैं अब तो कुछ हमारा कुछ नहीं हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं है। हमने ये जो पाथ लिया है ये कोई साधारण पाथ नहीं है, ये वो पाथ है जो इवन देवी देवता स्वर्ग में रहते हुए भी इस पृथ्वी पर आकर के मनुष्य जीवन में अवतरण लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से भगवान के पास जाने का जो मार्ग है वो सबसे सरल मार्ग है। कैसे? भगवान का ये नाम जप करो और भगवान के पास चले जाओ। तो ये जो दो विधि है, भागवत विधि और पांचरात्रि का विधि, ये साइमल्टेनियसली पैरेलली चलना चाहिए। जैसे ट्रेन की दो पटरियाँ होती है, उसी प्रकार से भक्त के जीवन में ये दो पटरियाँ हैं, भागवत विधि और पांचरात्रि का विधि। साइमल्टेनियसली हमारे जीवन में ये दो विधियाँ जो है ये कंटिन्यूसली बढ़ते रहना चाहिए। बढ़ते रहने का अर्थ क्या है? भागवत विधि में क्या क्या आता है? भागवत विधि में श्रवणम और कीर्तनम। तो श्रवणम जो हम करते हैं इतना सटीक होना चाहिए कि हमने जो सुना हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम मेमोराइज करें, रिमेंबर करें। चलिए ये जो श्लोक है संस्कृत में है, हम संस्कृत में इतने विख्यात नहीं हैं, इतना कुछ याद नहीं रख सकते हैं, लेकिन ये जो अनुवाद है या तात्पर्य है इसमें से कुछ कुछ पंक्तियाँ, कुछ कुछ शब्द, कुछ कुछ व्याख्यान हमें हमारे स्मरण में रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब जब इन चीज़ों का हम स्मरण करेंगे तब तब हमारा जो विचलित मन है वो वापस भगवान के चरणों में लग जाएगा। और भगवान का ये जो नाम है हरे कृष्णा मंत्र जो है, इसे भी हमें बार बार मेमोराइज करना चाहिए। कई बार लोग बोलते हैं ना कि हम जैसे हम प्रचार करते हैं नाम जप करिए, तो लोग क्या बोलते हैं, हम तो 24 घंटा भगवान का नाम जप करते रहते हैं। सो क्या रियली 24 घंटा भगवान का नाम स्मरण हो रहा है उनके जीवन में? हम जैसे ही ये सुनते हैं तो हमारे मुख पे क्या आ जाती है, हंसी आ जाती है, कैसे ये 24 घंटा हम तो कर ही नहीं पाते हैं, ये कैसे कर लेते हैं 24 घंटा। चलो अच्छा है, हम भी प्रार्थना करते हैं भगवान जो आप बोल रहे हैं भगवान उसको सत्य करें। तो ये जो नाम है
जो हम जप कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, जो नाम का स्ट्रिंग है, इसके बीच में हमें कोई थॉट ना आए, इसकी हमें प्रैक्टिस करनी है। फिर माला के बीच में कोई थॉट ना आए, इसकी हमें प्रैक्टिस करनी है। फिर एक माला से दूसरी माला, दूसरी से तीसरी, इसके बीच में कोई थॉट ना आए, इसकी हमें धीरे 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 प्रैक्टिस करनी है। और जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, आप देखिए ये जो भागवत विधि है, हम इसमें सफल होकर के आगे बढ़ते जाएंगे। कॉन्स्टेंटली ये जो नाम है, ये हम सुन सुन करके, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम धाम में जाते हैं और हम धाम में देखते हैं कि कॉन्स्टेंटली सभी भक्त जप कर रहे हैं, तो हमारा भी जो उत्साह है वो और भी बढ़ता है। तो ये जो 16 माला है, ऐसे अभी के समय में करने में जो दिक्कत आई होती है, धाम में हम आसानी से 16 प्लस मालाएं कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? कि एक वातावरण वैसा बन जाता है, और उस वातावरण में जब हम भगवान का नाम जप करते हैं तो उसकी जो पोटेंसी है, हम जैसे हम लोग धाम में जाने के पहले बताते हैं कि धाम में एक माला इज इक्वल टू 1000, तो हम देखते हैं हाँ वहाँ पर एक माला 1000 माला के बराबर हो रही है। क्यों? 16 माला तो ऐसी हो गई है ना, और हमने तो ज़्यादा माला की, किसी ने 20, किसी ने 30, 50। सो इस प्रकार से हमारा जो उत्साह है भगवान का नाम लेने में और बढ़ता जाता है। और उसके बाद में जब हम श्रवणम करते हैं, एक एक स्थान पर जा करके भगवान की लीला के विषय में सुनते हैं, तब हमारा जो रुचि है, रुझान है, वो भी उसकी तरफ बढ़ता है। तो इस प्रकार से ये जो भागवत विधि है और पंचरात्रि का विधि है, ये क्यों हमें दी गई है? इसलिए दी गई है कि ये जो भौतिक कलमशों में या भौतिक संसार में हमारा मन पूरी तरह से ग्रसित है, हम इसमें से धीरे 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 बाहर आते जाएं, और जितना हम इसमें से बाहर आएंगे उतना हमारा मन भगवान के इस एक्टिविटीज़ में लगता जाएगा। और पंचरात्रि का विधि की बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि कई बार मन में एक विचार आता है कि भगवान के इतने सुंदर श्रृंगार हैं, इतना डेकोरेशन जो करते हैं वो सिर्फ भगवान के पुजारी जो है वो ही कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि नहीं, जो भी भक्त डिटरमाइंड है भगवान की सेवा पूजा करने के लिए, वो भी उस डिटर्मिनेशन से ये विधि को पालन कर सकता है। और जैसा मैंने बताया और प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि संकीर्तन में जब हम पार्टिसिपेट करते हैं तो हम भी क्या विधि का पालन कर रहे हैं? पंचरात्रि का विधि का पालन कर रहे हैं। तो ये जो डीटी वर्शिप के प्रोसीजर है, जो नारद मुनि ने बताए हैं, किसके लिए बताए हैं? सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम जप करके हम शुद्ध हो सकते हैं, सिर्फ एक एक्टिविटी परफॉर्म करने से भी हम शुद्ध हो सकते हैं। लेकिन हम जो है एक एक्टिविटी करने से क्या हो जाते हैं? बोर हो जाते हैं। इसलिए भगवान को मालूम है कि ये जो भक्त है ये सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे, इसलिए मल्टीपल एक्टिविटीज़ दी गई हैं। और प्रसादम भी जो है एक प्रकार की विधि है शुद्ध होने के लिए, और प्रचार जो है वो भी एक प्रकार की विधि है। सो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में प्रभुपाद जी ने जो भी कुछ दिया है वो सब कुछ कनेक्टेड किससे है? भगवान की सेवा से। जैसे भक्ति रसामृता सिंधु है, इस भक्ति रसामृता सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी ने 64 प्रोसीजर दिए, 64 प्रकार के अंग दिए हैं। किसके लिए? भक्ति के अंग हैं। और हम देखते हैं कि एवरी डे इसमें से हम बहुत सारे अंगों का पालन करते हैं, हमको मालूम भी नहीं है, फिर भी हम उन अंगों का पालन कर रहे हैं जो रूप गोस्वामी ने भगवान के पूजा आराधना से लिंक किए हैं। जैसे एक सिंपल है, भगवान को प्रतिदिन हमको दंडवत प्रणाम करना है। सो सभी भक्त जो घर में भगवान का पूजन करते हैं, आरती करते हैं, वो दंडवत प्रणाम करते हैं। फिर भगवान की पूजा करना है, भगवान की पूजा में अलग अलग पैराफेरनेलिया होने चाहिए, हमको पहले अपने आप को शुद्ध करना है। आप फिर जब भी मंदिर आते हैं, सबसे पहले मंदिर में भगवान का हम घंटी बजा करके अंदर आते। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जितने भी 64 अंग दिए गए हैं, मैक्सिमम अंगों का हम पालन ऑटोमेटिकली, नोइंगली अननोइंगली हम करते ही करते हैं।
उसमें एक है प्रसाद ग्रहण करना है, उसमें एक है भगवान के समक्ष बैठना है, भगवान का दर्शन करना है। इस प्रकार से अलग 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 अंग है, 64 प्रकार के अंग हैं जो रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृता सिंधु में दिए हैं, और नोइंगली अननोइंगली हम ऑटोमेटिकली उनका पालन कर रहे हैं। तो ये भक्ति मार्ग इतना सरल मार्ग है जो आचार्यों ने हमें दिया है, कि इसको पालन करके हम इस जीवन के अंत में भगवान के पास आसानी से जा सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है जो हमें भगवान के पास पहुंचने से दूर रख सकती है, वो क्या है? हमारा डिटर्मिनेशन। सो हमें उस डिटर्मिनेशन को और स्ट्रांग करना है, इतना स्ट्रांग करना है कि हमारा मन जो है भगवान में, भगवान के नाम में इमीडिएटली कैप्चर हो जाए। इस भौतिक जगत में हम कोई ना कोई चीज़ों से कैप्टिवेट हो जाते हैं, कैप्टिवेट मतलब आकर्षित हो जाते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमारे भक्ति की टेस्ट क्या है, हमारे भक्ति की टेस्ट है कि जब भी ये नाम हमारे मुख से निकलता है, क्या उसको सुनने के लिए हम आकर्षित हो रहे हैं? अगर नहीं हो रहे हैं, इसका अर्थ है कि अभी भी हृदय में कंटामिनेशन है, अभी भी यहाँ इस मन में क्या है, दूषित, ये मन दूषित है। तो जैसे ही हमने बोला हरे कृष्णा, क्या हमारा मन इस कृष्णा को सुनने के लिए आकर्षित हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो हमें वो आकर्षण को बढ़ाना है। जितना हम वो आकर्षण को बढ़ाएंगे, उतना हम देखेंगे कि इस कृष्ण भक्ति में, इस कृष्णा भावनामृत में हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कई बार हम अपने आप को प्रमाण मांगते हैं कि मैं भक्ति में कितना आगे बढ़ा हूँ, तो यही प्रमाण है कि जब बोला कृष्णा तो क्या भगवान के नाम सुनने के लिए ये मन दौड़ रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल किसी का रिंगटोन यहाँ बज जाए, हाँ, फिल्मी रिंगटोन, तो सडनली क्या होगा? सबका ध्यान जो है वो रिंगटोन जो सुनी थी कई सालों पहले वो सॉन्ग की, तुरंत वापस मन वहां चले, यानी हमारा आकर्षण किधर है? तो इसलिए ये सारे टेस्ट है जो हमको चेक करना है, चेक एंड बैलेंस होता है ना लाइफ में। जैसे हम बैलेंस शीट बनाते हैं, कितना गेन किया, कितना स्पेंड किया, उसी तरह से ये भक्ति के बैलेंस शीट है कि मन जो है वो वापस उस पुराने मूवी के सॉन्ग्स में जा रहा है, उस पुराने चीज़ों में जा रहा है, ये जो जीवा है इस पुराने आकर्षण की ओर जा रही है, ये भक्ति के टेस्ट है। तो इस टेस्ट के लिए कोई दूसरा प्रमाण कोई दूसरे को देने की आवश्यकता नहीं है, हम सबके पास में ही हमारा प्रमाण है। जिस प्रकार से हम दर्पण में अपना चेहरा देख करके तिलक लगाते हैं तो हम देखते हैं हाँ सीधा लगा है या नहीं, है ना, उसी प्रकार से इस भक्ति मार्ग में हम सबके पास अपना प्रमाण अपने सामने है, कोई दूसरा उसका प्रमाण दे इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो जब हमें प्रमाण पत्र मिल गया है तो अब क्या करना है, उसमें हमें मार्क्स भी पता चल गए हैं, तो अब हमें उस मार्क्स को और किस तरह से बढ़ाएं उसके ऊपर में हमको थोड़ा सा परिश्रम करना है। और जितना हम उसमें परिश्रम करेंगे, हम देखेंगे धीरे 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 हम इस भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। सो जैसे जैसे भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, हृदयंतस्तो ही अभद्राणी, ये हृदय में जितने भी कंटामिनेशन है, जितने भी दूषित चीज़ें हैं, वो धीरे धीरे चले जाती हैं। और ज्यों ज्यों इस मन से, इस हृदय से ये दूषित चीज़ें निकल जाती हैं तो क्या होता है, एवं प्रसन्न मनसो, हम जिस प्रसन्नता की अपेक्षा कर रहे हैं वो प्रसन्नता हमें मिल जाती है, वो कहीं बाहर नहीं है, हमारी प्रसन्नता कहीं बाहर नहीं है, वो कहाँ है, हमारे अंदर है, उसको क्या करना है, सिर्फ बाहर निकालना है। तो बाहर क्यों नहीं निकल रही है, क्योंकि ये जो दूषित वातावरण है इससे वो क्या हो गई है, दब गई है। तो ये जो दूषित वातावरण जो है मन का, वो जैसे जैसे निकल जाएगा ये प्रसन्नता जो है वो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगी। तो ये जो छिपी प्रसन्नता है, ये भगवान के ये जो प्रोसेस है, भक्ति मार्ग है, इसी से ही बाहर आ सकती है, दूसरा और कोई इसका उपाय नहीं है। तो ये सरलतम उपाय का हम सबको पालन करना है। जैसे जैसे हम इस भक्ति मार्ग में इन चीज़ों का पालन करते रहेंगे, प्रतिदिन इस मार्ग में आगे बढ़ने का जो संकल्प है उसको और
कठोर करते जाएंगे, हम देखेंगे कि इस मन से जो विकार है वो जा रहे हैं और हमारे मन में प्रसन्नता आ रही है और हम इस भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। फिर आपको किसी को भी ये पूछने की आवश्यकता नहीं है कि मैं कितना भक्ति में आगे बढ़ा हूँ। सो अभी ये जो प्रेजेंट मंथ है इसमें हमारे पास अपॉर्चुनिटी है आगे बढ़ने की। तो सबसे प्रिय चीज़ जो प्रभुपाद जी को है वो है उनकी पुस्तकों का वितरण। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि यदि एक पुस्तक किसी के पास चले जाती है और वो उसको पढ़ता है तो उसका जीवन जो है पूरी तरह परिवर्तित हो जाता है। तो हमने ये जो मार्ग लिया है भक्ति का मार्ग, इसमें हमको चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, क्या कहा है कि जीवन सार्थक करो, करो परोपकार। तो हम इस मार्ग में बढ़ते हुए हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे हमारा जीवन सार्थक हो रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें आगे बढ़ के और इस भौतिक जगत में जो जीव है उनका उद्धार करना है। और किस प्रकार हम उनका उद्धार कर सकते हैं, इस प्रभुपाद जी की जो पुस्तकें हैं उन तक पहुंचा करके हम उनका उद्धार कर सकते हैं। तो अब ये जो प्रॉपर मंथ है गीता जयंती का मंथ है जो चालू हो चुका है, तो हमें सबको एक संकल्प लेना है कि हम सब छोटा छोटे मात्रा में धीरे धीरे बढ़ते हुए क्यूमुलेटिव वे में साथ में रह करके इस मार्ग को, इस ज्ञान को सभी तक पहुंचाएंगे। और जितना हम किसी को ये ज्ञान दे सकेंगे भगवान के नाम का, भगवान की इन पुस्तकों का, उतना उनका जीवन सार्थक हो सकता है। सो जब भी हम किसी को पुस्तक देते हैं तो सिर्फ पुस्तक ना दें, उसको अगर टाइम है, अगर समय है आपके पास में, तो उसको पुस्तक खुलवा करके एटलीस्ट थोड़ा सा एक दो पंक्ति उसको पढ़वाइए और उसको कहिए कि देखिए आपने इस पुस्तक को पढ़ने का प्रारंभ कर दिया है। नहीं तो क्या होता है, लोग पुस्तक लेकर के घर में रख देते हैं। तो आपने उसको बताना है कि देखिए आपने पुस्तक की ये पंक्ति पढ़ी, आपने इस पुस्तक को पढ़ने का प्रारंभ कर दिया है, अब आप इस यज्ञ को बंद मत कीजिए, इस पुस्तक को कंप्लीट कीजिए और उसके बाद में और इस पुस्तक को वितरण कीजिए। इससे क्या होगा, इससे वो जो व्यक्ति है उसको कुछ एटलीस्ट समझ में आएगा। तो हम जो भी कोई पुस्तक लेते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं उसमें एटलीस्ट थोड़ा बहुत हमें भी नॉलेज होना चाहिए, और नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप पहले अध्याय का पहला शब्द या पहला पैराग्राफ पढ़िए, आपको समझ में आएगा मुझे इस पुस्तक के बारे में क्या बताना है। ऑफ कोर्स टाइटल से अभी आज तक तो हमको समझ में आ गया है कि कैसे प्रचार करें, क्या इन्फॉर्मेशन दें, तो वही इन्फॉर्मेशन जो है हमें आगे पास ऑन करनी है। तो कैसे करेंगे, सिंपल है, उस व्यक्ति को बोलना है कि पढ़िए क्या लिखा है, और जब वो पढ़ता है तो उसके बारे में उसको समझा करके फिर उसको पुस्तक दीजिए और कहिए कि आप इस पुस्तक को जरूर कंप्लीट कीजिए। तो इससे क्या होगा, इससे उस व्यक्ति की भक्ति मार्ग का जो स्टार्टिंग है वो हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा, वो व्यक्ति पुस्तक लेगा और घर ले जा करके शेल्फ में रख देगा। तो हमारा डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि हम बोलते हैं ना कि प्रभुपाद जी की पुस्तकें कैसे कोई पढ़ेगा, तो ये सिंपल प्रोसेस है कि हमें उस व्यक्ति को मेक श्योर करना है कि वो कुछ पढ़े और फिर आगे ले जा करके वो अपने घर में फिर क्या करें, ऑफकोर्स वो तो हम नहीं जानते, बट स्टिल एटलीस्ट एक स्टार्टिंग हो जाए तो हमें एक सेटिस्फैक्शन आएगा कि हमने पुस्तक दी और उसने पुस्तक को पढ़ी। सो इस प्रकार से हम इस पुस्तक वितरण में अधिकाधिक भाग ले सकते हैं। और हम सबको एक गोल जो हमने लास्ट ईयर रखा था, एक और गोल रखना है, क्या है, रूपा जी बोलते हैं जस्ट डबल इट। तो अभी जैसे ही ये शब्द आता है जस्ट डबल इट, हम सब डर जाते हैं कि लास्ट टाइम एक्स अमाउंट ऑफ बुक डिस्ट्रीब्यूट किया था, इस टाइम 2x कैसे करेंगे। तो यदि हम में वो डिटर्मिनेशन है कि हाँ कर लेंगे, प्रभुपाद जी की कृपा से हो जाएगा, तो आप देखिएगा 100%
100% हम सब वो चीज़ को अचीव कर सकते हैं। क्यों? क्यों हम में क्या क्षमता है बुक वितरण करने की? है कोई क्षमता? नहीं है। जितनी भी क्षमता है वो कहाँ से आ रही है? वो दो जगह से आ रही है, गुरु और कृष्णा। तो जब ये दो पर्सनालिटी हमें वो क्षमता दे रहे हैं तो हम क्यों अपने आप को डीमोटिवेट करें? हम क्यों अपने आप को सोचे नहीं 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 मेरे से नहीं होगा? कोशिश तो कर सकते हैं, और ज्यों ज्यों हम कोशिश करते हैं तो कहाँ से स्ट्रेंथ आती है? गुरु और कृष्णा से स्ट्रेंथ आती है। वही है हमें ये पूरी शक्ति देने वाले। क्या हम में नाम जप करने की कोई क्षमता है? नहीं है। हम नाम भी जप नहीं कर सकते हैं। वो क्षमता भी कहाँ से आ रही है? गुरु और कृष्णा से आ रही है। तो जब हर एक चीज़ हमें इस भौतिक जीवन में गुरु और कृष्णा दे रहे हैं तो उनकी पुस्तकों को वितरण करने की क्षमता भी हमें गुरु और कृष्णा देंगे। बस हमें क्या होनी चाहिए? हमें क्या होना चाहिए? विश्वास, डिटर्मिनेशन होना चाहिए। सो ये विश्वास और दृढ़ता से हमें भक्त प्रभुपाद जी के पुस्तकों को वितरण करना है। और फिर ऐसा कोई मार्ग नहीं है जो हमें रोक सके उनकी पुस्तकों को वहाँ तक ले जाने की जहाँ तक आज तक ये पहुँची नहीं है। नहीं तो क्या हर साल इतनी लाखों पुस्तकों को वितरण करना कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं है। हम हर साल इतने सारे पुस्तक को वितरण करते हैं, पूरे इस्कॉन वर्ल्ड में लाखों लाखों पुस्तकें वितरण होती है हर साल। कैसे इतने सारे लोग कहाँ से आते हैं कि हर साल पुस्तकें वितरण हो रही हैं? तो लोग हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज हरे कृष्णा मंदिर को कितने साल हो गए हैं? 8 साल हो गए। आज भी अहमदाबाद में ऐसे लोग हैं जो इस मंदिर को विजिट नहीं किए हैं, है ना? तो हम देख सकते हैं कि ऐसे कई लोग हैं जिनके हाथ में आज तक प्रभुपाद जी की पुस्तकें नहीं पहुंची हैं। तो वो पहुंच सकती है, हम सबके माध्यम से पहुंच सकती है। और हमें सबको, हम सबको प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से वो पुस्तकें उन तक पहुंचानी हैं। तो इस डिटर्मिनेशन के साथ में हमें इस मैराथन में उतरना है और प्रतिदिन इस पूरे मंथ में इन पुस्तकों के वितरण के लिए हमें प्रार्थना करनी है कि प्रभुपाद जी कृपया आपकी पुस्तकों के वितरण के लिए हमें आप शक्ति प्रदान करें। और जब हम पुस्तक वितरण करने जा रहे हैं तो हमें एक और प्रार्थना करनी चाहिए। क्यों? क्या प्रार्थना करनी चाहिए? कि जो पर्सन है, सामने वाला व्यक्ति है, उसके हृदय में भी कौन है? परमात्मा है। और हमारे हृदय में भी परमात्मा है, तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि ये जो व्यक्ति है इसका भी उद्धार हो। तो जब हम इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए इन पुस्तकों का वितरण करते हैं और पूरे सामर्थ्य को लगा देते हैं, तब भगवान देखते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति जो है, ये भक्त जो है, डिटरमाइंड है मेरा जो ज्ञान है लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो उसी डिटरमिनेशन के साथ में जब हम भक्ति करते हैं और उसी डिटरमिनेशन के साथ में जब हम पुस्तक वितरण करते हैं, तब हम देखते हैं कि भगवान की जो कृपा है वो हमारे जीवन में फ्लो हो रही है। वैसे तो फ्लो हो रही है, लेकिन हमको अगर देखना है कि भगवान की कृपा हमारे जीवन में किस प्रकार फ्लो हो रही है, तो ये सरल प्रोसेस है भक्त प्रभुपाद जी की पुस्तकों को वितरण करना और लोगों तक पहुँचाना। ठीक है। सो ईश्वरी के साथ में मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। किसी भक्त को कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं? यस। हाँ, उसका डिटेल बताऊँ? सो पहला नाम अपराध है कि टू ब्लास्फेम द डिवोटीज हु हैव डेडिकेटेड देयर लाइफ फॉर प्रोपेगेटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। जो जिन्होंने अपने अपना जीवन भगवान के भक्ति में समर्पित कर दिया है, उन भक्तों की निंदा करना। यदि कोई निंदा करता है तो वो एक नाम अपराध है। दूसरा है कि भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु से कंपेयर करना। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी और शिव जी किस कैटेगरी में आते हैं?
देवी देवताओं की कैटेगरी में आते हैं और भगवान विष्णु जो है वो सुप्रीम पर्सनालिटी है। तो अगर हम भगवान ब्रह्मा जी और शिव जी को भगवान विष्णु से इक्वेट करते हैं तो वो भी एक नाम अपराध है। तीसरा है टू डिसोबे द ऑर्डर्स ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर एंड टू कंसिडर हिम एज एन ऑर्डिनरी पर्सन। तो आध्यात्मिक गुरु को साधारण व्यक्ति समझना और उनके आदेशों की अवहेलना करना। चौथा क्या है? वैदिक शास्त्रों के प्रमाणों को नहीं पाल खंडन करना, वो चौथा नाम अपराध है। पांचवा है यदि कोई हरे कृष्ण मंत्र को सामान्य समझता है, अरे ये तो कोई साधारण मंत्र है। जैसे फॉर एग्जांपल कई लोग पूछते हैं कि आप हरे कृष्ण मंत्र को आप इस फॉर्मेट में क्यों जप कर रहे हैं, हरे कृष्णा पहले तो रामा आता है और कैसे इक्वेट करते हैं, पहले राम जी का अवतार हुआ है उसके बाद कृष्ण, इसलिए मंत्र कैसा होना चाहिए, हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। रियलिटी जो है आचार्य या भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने हमें बताया है पहले हरे कृष्ण मंत्र उसके बाद में हरे राम। फिर छठा नाम अपराध है नाम के बल पर पाप करना, वो सातवा है। छठवा यस छठवा क्या है हिंदी में बताइए? हाँ सो कोई मिसइंटरप्रेट करता है तो वो भी नाम अपराध है। सातवा नाम के बल पे पाप करना, चलिए गलत कर लेते हैं, नाम जप कर लेंगे हम हमारा मन जो है वो शुद्ध हो जाएगा, तो वो भी एक नाम अपराध है। आठवा सो वैदिक शास्त्र जो है उनको खंडन करते हुए हम ये सोचते हैं कि वैदिक शास्त्रों में इसका कोई प्रमाण नहीं है, कोई डिटेल नहीं है, तो वो भी एक नाम अपराध है। और नौवा जैसे कोई श्रद्धा नहीं रखता है भगवान के नाम पे, उसको हम प्रचार करते हैं तो वो भी एक नाम अपराध है। तो प्रश्न उठ सकता है कि प्रभु जी हम जाते हैं प्रचार करते हैं, लोगों को भगवान के नाम में रुचि नहीं है, तो क्या एक नाम अपराध है? नहीं, ये नाम अपराध नहीं है, क्योंकि हमारा जो मूवमेंट है वो क्या है, प्रीचिंग मूवमेंट है। तो प्रीचिंग मूवमेंट में हमारे समक्ष ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जिनको भगवान के नाम में कोई रुचि नहीं है, भगवान के नाम में कोई विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, लेकिन हमारा एक ड्यूटी है। क्या है ड्यूटी? भगवान का नाम उनको दे, बाकी फिर वो जब करें नहीं करें वो उनके ऊपर में। और दसवां नाम अपराध जो है वो है अगर हमको भगवान के इस हरि नाम पे पूर्ण विश्वास नहीं है तो वो भी एक नाम अपराध है। और दूसरा नाम जप करते हुए हमें भौतिक आसक्ति रखना, वो भी एक नाम अपराध है। तो हमें इन 10 नाम अपराधों को डेली पढ़ना भी चाहिए और हमें इसका पालन भी करना चाहिए। तो आप माता जी के पास में शायद PDF है, तो फॉरवर्ड कर देंगे या प्रभु जी दे देंगे आपको। तो प्रतिदिन हर एक भक्त को इस 10 नाम अपराधों को पढ़ना भी चाहिए और इनको पालन भी करना चाहिए। तो पालन तब करेंगे जब हम पढ़ेंगे और पढ़ेंगे तब हमारे पास जानकारी होगी। तो जब आप सुबह आरती करते हैं उसके बाद प्रतिदिन इस 10 नाम अपराधों को पढ़ें, और उस जैसे जैसे हम पढ़ेंगे हमारे को पता चलेगा कि ओ ये नाम अपराध होता है, तो हम उसका पालन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम वो कर सकते हैं। और कोई प्रश्न? सो हम यहाँ पे प्रवचन को समाप्त करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि।